हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी। और इससे पहले वाले क्लिप में आपने नमस्ते जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। तो वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है रायपुर में, पर कुछ चीज़ों में छूट दी गई है। तो आज से जो सब्जी है, फल वाले हैं, वो सब आएंगे बेचने के लिए। तो जो ठेला लेके घूमते हैं उन्हें ही अलाउ किया गया है। तो आज जो हमारा सब्जी वाला है जिससे हम लेते थे हमेशा, वो आया है। पर इससे हम लोग सब्जी नहीं लिए, क्योंकि ये जो सब्जी के रेट बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो हम इनसे सब्जी नहीं लिए। तो हस्बैंड मेरे जाने वाले थे मेडिकल कुछ दवाइयाँ लेने, तो वो बोले वहाँ देखते हैं अगर सब्जी मिल रही होगी तो वहाँ से वो सब्जी लेके आएंगे। तो सुबह जो घर के काम होते हैं सारे, वो सब मैं निपटा चुकी थी। तो यहाँ पे हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं, तो वो भगवान को नहला रहे हैं। तो आज वो पूजा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया है, तो कर रहे हैं। और ये जो बैंगल्स है, मैं बैंगल स्टैंड रखी हूँ टंगाने वाला, ये देख सकते हैं आप लोग इसे। तो इसे मैं साफ़ कर रही थी, तो इससे जो बैंगल वगैरह है वो सब निकाल रही थी, क्योंकि इसमें रखने से ना क्या होता है कि बैंगल बहुत गंदे हो जाते हैं, डस्ट वगैरह हो जाता है। तो ये सब मैं साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी बनाने की। तो सब्जी आया था सब्जी वाला, पर उसे सब्जी हम लिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी का रेट बोल रहा था वो। तो अभी मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ खिचड़ी। तो ये मूंग दाल, चावल, आलू, टमाटर, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्ची, और हाँ बस इतना ही है उसका। खिचड़ी मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं अभी खिचड़ी बनाऊँगी बस, और कुछ नहीं बनाऊँगी। और अभी हस्बैंड गए हैं सब्जी वगैरह देखने के लिए, कहीं मिल रहा होगा तो सब्जी लेके आएंगे। और कुछ मेडिसिन लाने थे इसलिए वो बाहर गए हैं, तो वो आएंगे तब देखते हैं। कुछ सब्जी वगैरह लाते हैं तो सब्जी बनाऊंगी। तो अभी मैं चढ़ा देती हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पे गर्म पानी चढ़ा है और ये अजवाइन पानी है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे थोड़े से पेट में दर्द हो रहा था तो इसलिए। हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी। और इससे पहले वाले क्लिप में आपने देखा होगा कि मैं खिचड़ी चढ़ाई हूँ, क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं घर में। और जो सब्जी वाला आया था बहुत ही ज़्यादा महंगी सब्जी दे रहा था, तो सबने सब्जी नहीं लिए हैं। और यहाँ पे जो लॉकडाउन है वो बढ़ गया है। 19 तारीख तक लॉकडाउन था, पर अब 26 तारीख तक है लॉकडाउन, ऐसा बता रहे हैं। मे बी आगे और बढ़ जाए, क्योंकि जो कोविड का केस है यहाँ पे भी कम नहीं हो रहा है और इंडिया में भी बहुत केस आ रहे हैं सभी जगह। तो देखते हैं लॉकडाउन और बढ़ता है आगे कि नहीं। और सबके काम धंधे तो भी बंद है। तो हस्बैंड भी घर में थे पर अभी वो थोड़ा सा बाहर गए, क्योंकि मेडिसिन कुछ खत्म हो गई थी वो लेने के लिए गए हैं। और सब्जी वगैरह अगर मिल जाएगा तो वो लेके आएंगे, क्योंकि जो बेचने वाले वो घूम रहे हैं, तो उनसे ही मैं भी लेके आ जाए। और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड का केस बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत ही भयंकर रूप ले लिया है। तो उसके कारण तो बहुत ज़्यादा मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, खासकर क्योंकि पता नहीं क्यों न्यूज़ में जहाँ देखो बस वही दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल मैं न्यूज़ नहीं देख रही हूँ, टीवी चल रहा है, टीवी में अच्छी मूवी आ रही है तो मूवी देख रही हूँ मैं। और साथ में जो खाना है वो चढ़ा दी हूँ, तो खाना बन जाएगा, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया काम करते हुए, क्योंकि मेरे घर में मेरे जो चाचा ससुर है वो आ गए थे, उन्हें कुछ काम था उनसे, तो वो बात वगैरह करने आ गए थे, तो लेट हो गया। और काम वगैरह भी आज लेट से हुआ है, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे कुछ दवाई और कुछ घर के जो सामान है वो सब लेके आए हस्बैंड, तो ये सबको मैं बाहर ही रखूँगी अभी धूप में। वैसे सैनिटाइज सब डाल दी हूँ, सैनिटाइजर से स्प्रे करती हूँ, पर जो सब्जी है वो सब बाहर ही रहेगी कुछ देर के लिए धूप में। और ये सब सामान है, मैं सैनिटाइजर डाल दी हूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार और दिखाई थी, एक पड़की अपना जब घोंसला बनाई थी तो ये दूसरी तरफ एक और टोकनी हम लोग लगा के रखे थे। तो इसमें भी जो पड़की है चिड़िया है वो अंडा दे चुकी है, तो वो अपना अंडा सेक रही है, बस उसका पूंछ दिख रहा है, चिड़िया का मुंडी नहीं दिख रहा है। तो इसमें चिड़िया रहती है, रात में भी रहती है, मे बी इसमें अंडा दे चुकी है ये।
तो आप लोग ने देखा कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे फ्रूटी, तो फ्रूटी को वो कप में निकाल के मेरे को दे दिए हैं, और वो देख रहे थे कि नारियल पानी मिल जाए, तो नारियल पानी तो मिला नहीं, तो वो फ्रूटी मिला, तो वही फ्रूटी लेके आए थे 2-3 ठो। तो अभी जो वक्त हो गया वो शाम का हो गया है, और लंच वगैरह करने के बाद मैं आराम करने के लिए चली गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चावल रख देते हैं चिड़िया लोगों के लिए, तो वो अपना आके खा लेते हैं। तो अभी शाम हो चुका है और शाम का जो घर का सफाई होता है वो सब मैं कर रही हूँ। तो अभी पोछा लगा रही हूँ मैं घर को, क्योंकि अभी हम लोग पूजा करेंगे, तो नीचे हम लोग सो जाते हैं ना दिन में, इसीलिए मैं पोछा लगा देती हूँ ताकि घर एक बार अच्छे से साफ हो जाए। और आप लोगों को गाने का आवाज आ रहा होगा क्योंकि गाना चल रहा है टीवी में, बॉक्स में नहीं। तो शाम को जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस पोछा ही लगा देती हूँ ऊपर ऊपर, ज्यादा अंदर तक नहीं लगाती, क्योंकि सुबह अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है घर का, तो शाम को बस मुझे ऐसा लगता है जहाँ थोड़ा गंदा हुआ है वहाँ थोड़ा पोछा लगा देती हूँ, जिससे घर साफ हो जाता है अच्छे से। और 6 बज गए हैं, तो पूजा करना है शाम का मुझे, और व्रत वगैरह नवरात्रि का हम लोग नहीं रख रहे क्योंकि कमजोरी ज्यादा है शरीर में कोविड के बाद, तो अभी व्रत रखने के लिए जो हमारे डॉक्टर है वो मना किए हैं। तो घर के जो काम थे शाम के, सफाई वाले, वो सब हो चुके हैं, और दिन के जो बर्तन थे खाना खाए थे हम लोग, वो सब धुल चुके हैं। और अभी मैं जा रही हूँ पानी गर्म करने, तो मैं स्टीम लूंगी उससे, मेरे पास स्टीम वाला मशीन है पर वो मैं नीचे दे दी हूँ, तो जो बच्चे लोग हैं उनसे वो लोग ले लेते हैं स्टीम। तो अभी मैं पानी गर्म करूंगी, स्टीम लूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं फ्रेश होने, और फिर मैं पूजा करूंगी। तो आप लोग देखे थे कि सुबह मेरे हस्बैंड है वो सब्जी वगैरह लेके आए थे, तो ये सब पूरा दिन भर ही बाहर था, धूप में था, तो अभी शाम को मैं इसे अंदर करी हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं लौकी की सब्जी बनाऊँ, पर मेरे ख्याल तक मैं अभी लौकी की सब्जी नहीं बनाऊँगी, और खिचड़ी बची हुई है थोड़ी बहुत, तो वही खा लेंगे हम लोग, और मैगी बना दूँगी हस्बैंड के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि मैं मैगी खाऊँगा, तो उनके लिए मैं मैगी बना दूँगी, और मैं हल्का फुल्का ये जो खिचड़ी है वो खा लूँगी। तो यहाँ पे इस वक्त हम दोनों किचन में हैं, तो मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ जिससे मैं खिचड़ी के साथ खा सकूँ टमाटर की चटनी, और मेरे हस्बैंड जो है वो खिचड़ी है थोड़ी सी उसी को गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं, और वो कुछ बोल रहे थे पर इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि जिससे मैं वीडियो बना रही थी वो मोबाइल थोड़ा ख़राब है, तो उसमें आवाज़ नहीं आती, तो उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो अपना कुछ कुछ बता रहे थे। तो चटनी बनाने के बाद मैं मैगी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड है वो खाना लेके आ गए हैं, तो अपने लिए तो निकाल लिया और खाना भी शुरू कर दिया, और मेरे लिए भी निकाल दिए हैं, पर मैं भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैगी बन रही है। मेरे से क्या गलती हुआ था, मैगी में मैं ज़्यादा पानी डाल दी थी इसलिए थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ही बस मैगी खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर हम लोग मूवी देख रहे हैं, तो टीवी देखते देखते हम लोग खाना खाते हैं, जब भी खाते हैं खाना, तो क्योंकि अभी हस्बैंड घर में तो वो टीवी देख के टाइम पास करेंगे। और यहाँ पे मैगी बन रही है, और ये जो व्लॉग है इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं की थी, तो अब हम लोग करेंगे डिनर और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो ये व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है छोटा सा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत अच्छे से आप सभी अपना ध्यान रखिए।